दिल्ली में 25 साल के युवक रिंकू शर्मा की कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू शर्मा का झगड़ा एक बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट को लेकर हुआ था और ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है। लेकिन रिंकू के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस असली मामले को छिपा रही है, मामला कुछ और है। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और इसीलिए इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि रिंकू की हत्या का सच क्या है? वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था। वो खाली अगर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है या जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता है तो ये रंजिश होगी। तो क्या सिर्फ दिक्कत ये थी कि रिंकू शर्मा जय श्री राम के नारे लगाता था और इसीलिए उसे कुछ लोगों ने चाकू गोद कर मार डाला, या मामला कुछ और था? दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, इसीलिए आज उसके घर के पास कई लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। यहाँ पे नारेबाजी भी लगातार हो रही है, रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो ये मांग की जा रही है। पूरा लोगों में एक गुस्सा है अब पुलिस के प्रति भी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले को जो है दबाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो इस हत्याकांड से जुड़ा सबसे अहम सबूत है। देखिए, एक नहीं 10 से भी ज्यादा लोग इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ के हाथ में लाठी डंडे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस वारदात से जुड़ा एक और वीडियो देखिए जो इस घटना का दूसरा अहम सबूत है। ये एक मोबाइल वीडियो है जिसमें कुछ लोग रिंकू के घर में उसे मारने के लिए घुसे हैं। रिंकू सिलेंडर उठाकर इन गुंडों को डराने की कोशिश करता है और इस दौरान झगड़ा भी होता है। वीडियो में आवाज आती है कि उसके हाथ में चाकू है। आरोप है कि इसी दौरान इन गुंडों ने रिंकू की पीठ में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। रिंकू शर्मा नामक युवक की हत्या की गई है। हम इस समय उसी गली में मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर आरोपियों का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिंकू शर्मा की चाकू से वार करके हत्या कर दी है। आरोपियों का नाम नशरुद्दीन है, इस्लाम है, मेहताब है और जाहिद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिंकू की हत्या के पीछे की वजह क्या है। इसे लेकर रिंकू के घर वालों और दिल्ली पुलिस के अलग अलग दावे हैं। पुलिस का कहना है कि विवाद आपसी रंजिश का है और एक बर्थडे पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन रिंकू के घर वालों का कहना कुछ और ही है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरा में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक रेस्तोरा पुरानी रेस्तोरा बंद होने के विषय को लेकर के बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सर वो बीजेपी के नेता में भी रहता था, जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर, इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने, पर मुझे इंसाफ चाहिए। वो गलत कह रही है पुलिस, मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है, वो तो बाला जी आप पता कर सकते हो। पूरा स्टाफ आया उसका, रो रहा है सारा, रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने। रिंकू के भाई मनु शर्मा ने पुलिस में जो FIR लिखवाई है उसमें भी उसने कहा है कि नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और जाहिद का मेरे परिवार के साथ दशहरे पर राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसी दिन से ये लोग गली में आते जाते कहते थे कि कभी न कभी तुम्हें देखेंगे। 10 फरवरी की रात को करीब 10:30 बजे इन लोगों ने हमला कर दिया। मेहताब ने रिंकू को जान से मारने की नियत से चाकू मारा। हत्या के कई आरोपी रिंकू के घर के आसपास ही रहते हैं।
आज कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन कैमरे से पुलिस पूरे इलाके में निगरानी रख रही है। मंगोलपुरी इलाके में इस घटना को लेकर आज लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब, जाहिद और ताजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आज इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आज आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिडलान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। रिंकू शर्मा की हत्या को मजहबी और सियासी रंग दिया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन उसके घर वालों का सिर्फ यही कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, इस मामले में आरोपियों का परिवार सामने आया है। आरोपी निजामुद्दीन और इस्लाम का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि रिंकू और उसका दोस्त आकाश जाहिद को किसी बर्थडे पार्टी में ले गए थे, वहां पर इन लोगों का झगड़ा हुआ। झगड़े के पीछे धार्मिक वजह की बात सरासर गलत है, ये आरोपियों का परिवार कह रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।